हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडे इज द हिंदू न्यूज डिस्कशन। नाउ डेली के बेसिस पर हम पेज वाइज डिस्कशन करते हैं और जो भी यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है और जो सिर्फ यूपीएससी के लिए ही न्यूज़ इम्पोर्टेंट है वही हम आपको करवाते हैं। हमारा एनालिसिस यूनिक इसलिए रहता है क्योंकि हम जो भी न्यूज़ डिस्कशन करते हैं उसके आपको नोट्स भी देते हैं, पूरे एक साल का बैकग्राउंड आपका क्लियर करते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ डिस्कशन। बाकी आप पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला न्यूज़ आर्टिकल। पहला है सुप्रीम कोर्ट 6 स्टेट व्यूज़ ऑन 50% कैप ऑन कोटा। आप सबको पता है चाहे कोई भी स्टेट हो या सेंटर हो 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकती है फॉर द मार्जिनलाइज्ड एंड द पुअर इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि हमें इसको दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। इंदिरा सोहानाई जजमेंट 1992 में आया था जिसने आरक्षण फिक्स किया था 50% रिक्वायर्स रिलुक बाय ए लार्जर बेंच। ओके, तो ये पूरा है। बाकी जब जजमेंट आएगा, जब ये इसको देखा जाएगा अगर नए रूल्स चेंज हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टेट इसको एक्सेप्शन के तौर पर ब्रीज भी करते हैं, जैसे एग्जांपल महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, हैव क्रॉस द रूबिकन एंड पास लॉज विच अलाउ रिजर्वेशन शूटिंग ओवर 60%। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने ऐसे कुछ लॉज लेके आए जो 60% तक रिजर्वेशन देते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है, बहुत बार राज्य सरकार ऐसा करती हैं कि कोई एक्सट्रीमली रेयर ऐसा उनका कम्युनिटी होती है जिनको वो अपने जो स्टेट के सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा पिछड़ा कम्युनिटी दिखाती है और उसके बेसिस पर वो सेंटर से कहती है कि हमें इनको अपलिफ्ट करना पड़ेगा, इस वजह से हम अपना रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं। उसमें सेंटर भी एक एक्सेप्शन देता था और वहाँ पर लिफ्ट हो सकता है। बाकी अभी तक ये याद रखना कि पूरा आरक्षण जो है 50% से ज़्यादा ब्रीच नहीं होना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट अभी चेक करने वाला है। बाकी न्यूज़ आते रहेंगी, इसको हम डिटेल में जब न्यूज़ आगे आएगी तब हम डिस्कस करेंगे। नाउ उसके बाद फायर सेफ्टी इन इंडिया बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मैं कहूँगा कि इस पर हमने 3 से 4 बार आंसर राइटिंग की है। और अभी हुआ क्या है, कोलकाता में 7 पीपल इंक्लूडिंग द 4 फाइटर्स वर किल्ड इन ए फायर एट द ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर। तो अभी यहाँ पर सरकार ने ये बोला है कि 10 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा, बट ऐसी चीज़ें हो क्यों रही हैं ये? तो सबसे पहले एक प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं किया जाता। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, आप सबको पता है, आईसीयू में जो इन्फेंट बच्चे थे वो मारे गए थे, ठीक है, आग लगने के वजह से। तो फायर सेफ्टी इन इंडिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा टॉपिक पूछा जा सकता है यूपीएससी मेंस में। ओके, तो ये आज की न्यूज़ है फायर सेफ्टी के बेसिस पर। फायर सेफ्टी को इग्नोर करते हुए इतने लोगों की जान चले गई, ठीक है। फिर कंपनसेशन का कुछ फ़ायदा नहीं होता, हालांकि उसकी फैमिली को फ़ायदा होगा, बट एक्चुअल में पहले ही हमें प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सिर्फ मेंस के लिए एक न्यूज़ बता देता हूँ। 4% इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड, न्यू दिल्ली का ये डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021। मैंने ये बोला कि जितने व्हीकल्स आएंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, पॉल्यूशन होंगे। बट यहाँ पर एक शर्त ये आती है कि अगर व्हीकल्स इंक्रीज हुए हैं तो आप धीरे धीरे, अगर न्यू दिल्ली के मैं बात करूं तो धीरे धीरे क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आपको रोड में दिख रहे हैं, ठीक है, तो उससे पॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर ये भी दो चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है कि हाँ, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़े तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इसके साथ होगा तो उतना पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। और मोस्टली ये बोला जा रहा है कि अब तो जो स्विच कैंपेन है न्यू दिल्ली का, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने में लगा हुआ है, राइट। अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल्स की। आज के एडिटोरियल्स कुछ सिर्फ आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए है, आपका थोड़ा इनसाइट बढ़ाएंगे, मेंस में डायरेक्ट पूछे नहीं जाते जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली जो न्यूज़ आती है हरियाणा से आती है। हरियाणा सरकार एक एक्ट लेके आती है जिसका नाम है स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020, जिसमें यह बोला जाता है 75% जो जितनी भी जॉब्स हैं, ठीक है, जिनकी जिन लोगों की सैलरी 50,000 तक है वो स्टेट ओनर रेसिडेंट होंगे। समझ में आया, जितनी भी जॉब्स दी जा रही हैं 75% लोग हरियाणा के ही होने चाहिए, बाकी जो बचे हुए आउटसाइड है 25% के होंगे। क्या हरियाणा ऐसी पहली बार कर रही है? नहीं, इससे पहले आंध्र प्रदेश भी कर चुकी है, मध्य प्रदेश भी कर चुकी है। मध्य प्रदेश में तो इवन प्रॉमिस किया था कि 70% प्राइवेट सेक्टर जॉब में हम ये प्रॉमिस करते हैं कि मध्य प्रदेश के ही लोग होंगे। अब इनके अगेंस्ट आंध्र प्रदेश के अगेंस्ट लीगल चैलेंजेस आंध्र प्रदेश को भी फेस करने पड़े। क्यों फेस करने पड़े? क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 19(1)(g), ठीक है, क्लॉज 1, सब क्लॉज g, आर्टिकल 16 क्लॉज 2, इन सबको वायलेट करता है। इनमें लिखा क्या गया है, ठीक है, मैं इनको बता देता हूँ, फिर आगे आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं।
नाउ आर्टिकल 16(2) कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का कोई व्यक्ति आता है तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 16 कहता है। डिस्क्रिमिनेशन तो कर रहे हैं, है ना, 75% लोकल रेसिडेंट को ही रखेंगे, ऐसा हरियाणा का कानून कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान का जो दूसरा है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज जी, ये भी ये कहता है कि भारतीय सिटीजन को टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी जॉब वो कर सकता है, और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, इन दोनों आर्टिकल को वायलेट करता है हरियाणा का एक नया एक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आती है द कॉन्टोर्स ऑफ एंड गेम इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आप सबको पता है तालिबान इतना ज़्यादा है, इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आर्टिकल यहाँ से कुछ शुरू होता है कि किस तरह से अफगानिस्तान में पीस फैलाया जाए, भारत को कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरा आर्टिकल उसी के अराउंड घूम रहा है। मैं सबसे पहले डायरेक्ट आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ समझने के लिए पूरा आर्टिकल को। US प्रेसिडेंट जब बराक ओबामा थे, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम धीरे धीरे अफगानिस्तान से US के जो आर्मी ऑफिसर है, पर्सोनल है, उनको रिमूव करते रहेंगे, और उसके बदले जो तालिबान है वो सीज़ फायर अनाउंस कर देंगे। सीज़ फायर मतलब कोई लोगों को नहीं मारना, सिविलियंस को नहीं मारना, ओके। अभी हुआ क्या, दोहा एग्रीमेंट भी होता है। दोहा एग्रीमेंट में ये था कि US को अपनी फोर्सेज रिमूव करनी है अफगानिस्तान से, और उसके बदले जो अशरफ गनी हैं वो क्या करेंगे, तालिबान के कुछ जो प्रिजनर हैं जिनको जेल में बंद किया है उनको छोड़ देंगे। तो इससे तालिबान के जो लोग हैं, जो टेरर ग्रुप है, वो सीज़फायर मतलब सीज़फायर वायलेशन नहीं करेगा, लोगों को, सिविलियंस को नहीं मारेगा, तो इस तरह से पीस फैल जाएगा। बट उसमें क्या हुआ, अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, उन्होंने बोला कि तालिबान के बहुत सारे पर्सनल को हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इस पर तालिबान फिर से भड़क गया और फिर से लोगों को मारने लगा। तो अभी पूरी बात यही आती है कि यार अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी कैसे फैलेगी, US को एज ए सुपर पावर लोगों के सामने दिखाना है, तो अफगानिस्तान में वो पीस फैलाने की बात भी करता है, राइट। दोहा अग्रीमेंट हुआ, तो यही चीजें तालिबान, अलकायदा ये ग्रुप चल रहे हैं और अफगानिस्तान के एरिया में इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। इससे पहले भी US ने बहुत सारे एफर्ट किए हैं, जैसे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है अफगानिस्तान के, जलमाई खालीजाद है। दूसरा, US गवर्नमेंट इज एडवोकेटिंग ए न्यू इंक्लूसिव गवर्नमेंट। US गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि एक नई गवर्नमेंट हमने सेटअप करनी चाहिए, नई सरकार सेटअप करनी चाहिए जिसमें तालिबान के भी लोग होंगे। तो यहाँ पर एक अच्छा प्रपोजल मैं कह सकता हूँ, तालिबान के लोग भी होंगे रिप्रेजेंटेटिव, जो एज ए स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। इससे कॉम्प्रिहेंसिव परमानेंट सीज फायर होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, जिसमें तालिबान का भी जो है अपना डिसीजन सुना सकती है। इंडिया वही है कि इंडिया तो कमिट कर ही रही है कि हमें स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, और उसके साथ साथ ये पूरा आर्टिकल हमने देख लिया कि किस तरह से अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैली हुई है और जो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन अब आगे क्या करेगा। आगे है वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम होम तो आपने सुना होगा। USA में आप सबको देखने को मिलता है इमिग्रेशन का बहुत इशू है। अगर कोई आपका रिलेटिव है या आपके फ्रेंड्स हैं जो USA में जॉब करते हैं, तो आपने उनसे बात की होगी और उनको मालूम होगा, या उनने कभी ना कभी आपसे तो बात की होगी कि इमिग्रेशन का इशू बहुत ज़्यादा होता है। वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, H1B वीज़ा, मुझे US में एंट्री नहीं मिल रही है काम करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज और वर्कर्स हैं जो ऐसे क्राइसिस फेस करते हैं। तो USA ने अभी स्टेट किया है वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर ईयर्स, हाई स्किल्ड इकोनॉमिक माइग्रेंट सिकिंग रिलोकेटेड टू US। अगर हाई स्किल्ड लोग हैं तो उनको USA रिलोकेट होना पड़ता था, बट उस पर H1 वीज़ा की क्लैरिटी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप आने के वजह से तो बहुत ज़्यादा वर्स हो चुका था। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि कहते थे अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी, मतलब पहले अमेरिका, जैसे हरियाणा का सरकार का मैंने बताया आपको, वैसे ही अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप करते रहते थे। तो अभी यहाँ पर देखना पड़ेगा H1B वीज़ा जो है उसका फिर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर वर्क फ्रॉम एनीवेयर यहाँ पर हर कंपनी ने स्टार्ट कर दिया। तो करंटली H4 वीज़ा जो स्पाउस और चिल्ड्रन को दिया जाता है, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा H1B वीज़ा और H4B वीज़ा क्या है नोट्स के बेसिस पर, बट मैं एक केस स्टडी बताना चाहूँगा भारत की। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो करती है अभी वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कॉन्सेप्ट चला रही है, और 400,000 प्लस एम्प्लॉय विल बी 75% रिमोट बाई 2025। 2025 तक 75% ऐसे लोग होंगे जो अलग जगह से काम करेंगे, रिमोट एरिया से काम करेंगे। तो कंपनीज ऑफ ऑल साइजेस, तो भारत को तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, तो मे बी इंडिया को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो, USA को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो, ताकि, और हर जगह ऐसा भी चल रहा है आजकल, TCS एग्जांपल ये भी कहता है कि कहीं से भी अभी हम इंडियन कंपनी को ऑपरेट कर सकते हैं और ग्लोबल टैलेंट को पूल कर सकते हैं। बहुत अच्छा फायदा इससे होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से टैलेंट पूल आप कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है H1B वीज़ा को।
H1B वीज़ा, GS पेपर 2, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन। H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, जहाँ पर US कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को काम पर रखेगी। आपके पास कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए, जैसे IT में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, और कोई प्रोफेशनल जॉब दैट यूजुअली रिक्वायर्ड यू हैव टू बैचलर डिग्री और हायर कमांडर H1B वीज़ा। मतलब कोई ऐसी जॉब भी होगी जहां पर आपसे बोला होगा ग्रेजुएशन होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन, आप H1B वीज़ा में आओगे, ओके। दूसरा, H1B वीज़ा उस पर्सन के लिए होगा जो काम करेगा, बट उसके स्पाउस और चिल्ड्रन भी तो होंगे ना, तो उसके लिए क्या दिया जाता है उनको, H4 वीज़ा दिया जाता है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या हुए हैं H1B वीज़ा में, US ने H1B वीज़ा विल बी इशूड टू ओनली द मोस्ट स्किल्ड फॉरनर्स ऑन हाई पेड बेनिफिशियरीज। जुलाई 2019 के बहुत सारे डाटा आए हैं, जहां पर हम क्या हैं H1B वीज़ा का यूज़ करते आए हैं बहुत सारे इंडियंस, बट अमेरिका में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वीज़ा होते हैं, H4 वीज़ा, H2B वीज़ा, L1B वीज़ा, J1B। L1B वीज़ा क्या होता है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, एक कंपनी से ही दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र होता है L1B वीज़ा के लिए। मतलब क्या है, US की कोई कंपनी है और उसकी एक ब्रांच कहाँ पर भी है, या आप कह सकते हैं कि इंडिया में कोई कंपनी उसकी ब्रांच USA में भी है, या कंपनी के अंदर ही कंपनी का ट्रांसफ़र एक ही कंपनी के होता है, तो उसमें L1B वीज़ा लिया जाता है। इट इज़ फॉर स्टूडेंट और वर्क स्टडी समर। मान के चलो L1B वीज़ा अगर आप समझे नहीं हो तो ये समझो, US में एक कंपनी है उसकी ब्रांच इंडिया में भी है, अब इंडिया के बंदे को यहाँ जाना है US में मीटिंग अटेंड करने, या 6 साल की इंटर्नशिप है, तो वहाँ L1B वीज़ा लेगा। स्टूडेंट्स के लिए J1B वीज़ा, ठीक है। सीजनल वर्कर्स के लिए H2B वीज़ा। और अभी तक होता क्या आया था भारत में, इम्पैक्ट नॉक ऑन इफेक्ट चलता था। नॉक ऑन इफेक्ट का मतलब होता है IT सेक्टर में अगर H1B वीज़ा नहीं मिला तो हर एक सेक्टर के जो है पूरी तरह डिसरप्ट हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बायलेटरल इकोनॉमिक ट्रेड का यही है इंडिया और US के बीच में, कि H1B वीज़ा अच्छा होगा तो ट्रेड भी हमारा बहुत अच्छा होगा, ठीक है, US को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ओपेट पेज से, यहाँ पर ओपेट पेज में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि काऊ को स्लॉटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, आप सबकी आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ है, राइट टू फूड है, कि आप कुछ भी खा सकते हैं, बट जो DPSP में लिखा गया है एज ए सेकुलर स्टेट आर्टिकल 48, संविधान ये कहता है कि प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काऊ, काउज, मिल्च एंड ड्रॉट एनिमल फॉर प्रिजर्विंग द इम्प्रूविंग द ब्रीड्स इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर। एक यहाँ पर पॉजिटिव फेवर में पॉइंट आर्टिकल 48 बोल सकते हैं, एक फेवर में ये पॉइंट भी बोल सकते हैं कि राइट टू फूड वाला, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर ऐसे ही कुछ भी रैंडम से एग्जांपल दिए गए हैं कि पास्ट में, हिस्ट्री में क्या हुआ था, इसने ये मूवमेंट किया था कि इसको रोकना चाहिए। जैसे एक यहाँ पर एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, ये आपका मेंस में लिखने को नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। मुस्लिम एज कंसर्ट द, यहाँ पर ये बोला है बाबर ने एक बार ये कहा था कि टू हैव ए लेफ्ट ए टेस्टामेंट इंस्ट्रक्टिंग हुमायूं, बाबर ने हुमायूं को ये इंस्ट्रक्ट किया था कि टू फॉरबिड दिस प्रैक्टिस ऑन ऑर्डर टू कॉन्सुलेट हिज हिंदू सब्जेक्ट, की इस प्रैक्टिस को फॉरबिड करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे रैंडम से यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, बट मैं यहाँ पर आपके लिए दो पॉइंट निकाल के लाऊंगा, एक आर्टिकल 48 और दूसरा मैं राइट टू फूड वाला, ठीक है। राइट टू लाइफ है तो राइट टू फूड भी है, तो मैंने एक पॉजिटिव पॉइंट भी बता दिया, एक नेगेटिव पॉइंट भी बता दिया। ना उसके बाद यहाँ पर ओपेट पेज में चाइना के बारे में लिखा गया है कि चाइना अपने अचानक से कितने 5 ईयर जो पंचवर्षीय योजना में कितना बड़ा बड़ा एडवांसमेंट कर रही है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं और ये बोलते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनना है 2025 तक, रेयर अर्थ मटेरियल, रोबोटिक्स, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स, न्यू एनर्जी व्हीकल्स, इन सब में काम करेंगे, एप्लीकेशन बेडू पर काम करेंगे, एक्सपेंडिचर हम बढ़ाएंगे रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट का नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। ये साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, चाइना 5G में भी एडवांस होगा, तो ये पूरा आर्टिकल आज का यही लिखा गया है कि चाइना किस तरह से, और ये इंडिया के लिए भी कंसर्न है और इंडिया को एज ए मॉडल के लिए रूप में भी सोचना चाहिए कि इंडिया को भी इस तरह से 5 वर्ष की योजना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा एडवांसमेंट करना चाहिए एज कम्पेयर टू डिफेंस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है वो मेंस के लिए आती है कि ओनली हाफ ऑफ गवर्नमेंट स्कूल आंगनवाड़ी हैव टैप वाटर। अब जल जीवन मिशन हम कहते रहते हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में, आंगनवाड़ी में सिर्फ 50% में ही टैप वाटर है, और 100 दिन का कैंपेन भी चलाया गया था कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा कि टैप वाटर कनेक्शन हम बढ़ा देंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 8% से कम, वेस्ट बंगाल में 11% से कम, और ऐसे कुछ फैक्ट हैं जो आप लिख सकते हैं कि टैप वाटर कनेक्शन कहाँ कहाँ नहीं है, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, राइट।
अब इसरो के देखिए चंद्रयान 2 भेजने वाला है, गगनयान आने वाला है, तो ये इसरो भेजेगा। बट इसरो के अभी बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल चीज़ें भी कर रहा है। जैसे इसरो ने हाल में ही 28 फरवरी को अमेजोनिया सैटेलाइट भी भेजी थी। अमेजोनिया सैटेलाइट कुछ ये है कि ब्राज़ील की है और ये अमेजन फॉरेस्ट में जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसको मॉनिटर करेगी, और इसरो ने भेजी है ये। तो इसरो के किस कॉमर्शियल आर्म ने भेजी? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। तो ये चीज़ याद रखना, इसरो कॉमर्शियल तरीके से भी काम करता है, यानी कि दूसरे स्टेट का प्राइवेट कंपनीज का सैटेलाइट को भेजने का काम। तो हम बात कर लेते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, जनरल स्टडीज पेपर 2 स्पेस टेक्नोलॉजी। न्यू स्पेस इंडिया, ये बजट 2019 में अनाउंस हुआ था। ये मास प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाता है, प्राइवेट लोगों से, जो प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप करता है और उनकी सैटेलाइट भी भेजने का काम करता है। यूएसए है, यूरोप है, सभी कंट्री की सैटेलाइट भी ये भेजता है। एनएसआईएल विल डील विथ कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर लोकल इंडस्ट्री फॉर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद नेक्स्ट है कंपनसेट दोज एक्विटेड अंडर यूएपीए। हुआ क्या था, 2001 में बहुत सारे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया SIMI एक बैंड आउटफिट है, उनके चार्जेज में कुछ लोकल्स लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। ए लोकल कोर्ट इन सूरत एक्विटेड 122 पर्सन अरेस्टेड इन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में 122 लोगों को अरेस्ट किया था, फिर छोड़ दिया गया। अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, जिसमें हमारे अगेंस्ट आपको कोई चार्ज नहीं मिले। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ आएगी ही नहीं कभी, ये आएगा आपसे UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट क्या होता है, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा। बट उससे पहले आज का लास्ट वर्ल्ड पेज कर लेते हैं, आज का ना ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट था जिसमें हम आंसर राइटिंग कर पाएं, आज प्रीवियस ईयर का हम करेंगे। देखिए यहाँ पर हांगकांग से रिलेटेड है, हांगकांग वेलकम पोल रिफॉर्म्स, सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैव एक्साइज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू एड्रेस लूप होल्स इन सिस्टम। अब यहाँ पर हांगकांग से रिलेटेड है, अपने संविधान में ये चेंज कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है ये कुछ, ठीक है। म्यांमार में मिलिट्री कूप चला हुआ है, ओके, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। चाइना में उग्यूर मुस्लिम्स, यहाँ पर इस्तानबुल में क्या कर रहे हैं, जो चाइनीज कैंप हैं, जो माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स हैं उनके अगेंस्ट एक्सप्लोइटेटिव नेचर दिखा रहा है चाइना, तो वो मुस्लिम्स हैं, उग्यूर मुस्लिम्स, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये पूछा जाता है कि ये कम्युनिटी उग्यूर किससे रिलेटेड है। अब लास्ट पढ़ लेते हैं UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट क्विक फैक्ट प्रीलिम्स। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ 1967 में पास हुआ था। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कोई इंडिविजुअल या एसोसिएशन भारत की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को हार्म करे, वॉयलेट करे, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि अरेस्ट कर सके। हाइस्ट पेनाल्टी, इसमें डेथ पेनाल्टी भी हो सकती है। जैसे इंडियंस को चार्ज किया जाता है वैसे फॉरेन नेशनल को भी इस पर चार्ज किया जाता है। फिर चार्ज साइड फाइल इसमें की जा सकती है। 2004 में सुधार किया गया कि किसी एक टेररिस्ट ग्रुप को यहाँ पर टेरर ग्रुप यहाँ पर डेजिग्नेट कर सकते हैं, कि मतलब जब ग्रुप इंटीग्रिटी को वॉयलेट करें तब टेरर ग्रुप की बात की जा रही है। बट 2019 में होता क्या है, सबसे बड़ा बदलाव, कि एक किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। 2004 में तो पूरे ग्रुप को, जैसे अलकायदा तालिबान है, 2019 में एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है। ये एक्ट एम्पावर करता है NIA को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर्स को, कि आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं। चलिए आज का जो एंड कोड रखते हैं वो है आपका UPSC, ठीक है, UPSC, जिसको IAS बनना है, जिसको IPS बनना है, UPSC, IAS, IPS, IFS आप लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।